Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If you have any problem regarding our last class topics, you can ask me. अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो जो last class में पढ़ा था हमने उसमें, तो आप पूछ सकते हैं अभी. No, ma'am. Okay. तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से स्पेशल असिस्टेंस मिलना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, इक्वालिटी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कई बार स्पेशल वो भी देना पड़ता है, जिसमें हमने पढ़ा था पॉलिसी ऑफ कोटा और रिजर्वेशन हमारे एजुकेशन और जॉब्स के सिस्टम के अंदर दी गई है, जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं या जो माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं उनका स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है इन फेस ऑफ रिजर्वेशन. ठीक है, सोशल सॉरी स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी अ टेम्पररी और टाइम बाउंड मेजर. स्पेशल चीजें दी जाती हैं अफर्मेटिव एक्शन के अंदर जो कि कुछ समय के लिए होती है या फिर टाइम बाउंड मेजर यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही दी जाती है. द अजम्पशन इज दैट स्पेशल कंसिडरेशन विल एनेबल दीज कम्युनिटीज टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेजेस एंड देन कम्पीट विद अदर्स ऑन इक्वल टर्म्स. अब अजम्पशन ये लगाया जाता है कि इन सारी कम्युनिटीज को, जैसे ये जो इनके पुराने समय में इनके साथ में बुरा व्यवहार हुआ है उससे ये निकले, ठीक है, इनको कंपटीशन का प्रॉपर मौका दिया जाए उसके लिए इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है. ऑल्दो पॉलिसीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन आर सपोर्टेड फॉर मेकिंग द सोसाइटी मोर इक्वल, मेनी थियोरिस्ट आर्ग्यू अगेंस्ट देम. अब भले ही पॉलिसीज जो है अफर्मेटिव एक्शन के तहत इन सोसाइटी के जो लोग हैं इनको सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है, इक्वल इनको वो अपॉर्चुनिटीज मिले इसके लिए बनाई जाती है, लेकिन कई सारे थियोरिस्ट जो हैं वो इस चीज के खिलाफ में भी बोले हैं. दे क्वेश्चन वेदर ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली कैन एवर लीड टू ग्रेटर इक्वालिटी. उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप लोगों को इक्वली जब थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं तो क्या ये इक्वालिटी को कैसे अप्रोच कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल जो अपने यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अगर किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आप समाज को इक्वली ट्रीट कर कैसे रहे. ठीक है, ये थियोरिस्ट जो है उनका उन्होंने आर्ग्यू किया है. क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पर्टिकुलरली पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन दस इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी टू आर्ग्यू अगेंस्ट सच पॉलिसीज. अब क्रिटिक्स जो देते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो देते हैं यानी भेदभाव लेकिन पॉजिटिव लेवल पर, वो बोल रहे हैं कि पॉलिसीज जो है वो रिजर्वेशंस वाली पॉलिसीज जो है वो क्या करती हैं, एक एक पॉइंट जो है वो रेज आउट कर रही हैं, एक भावना जो है लोगों के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को लेकर के वो आर्ग्यू कर रही है इन पॉलिसीज के खिलाफ में. क्योंकि भाई आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एक टाइम पीरियड तक आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हो तो ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन आप उसको आगे बढ़ाते जा रहे हो तो इससे बाकी इक्वालिटी के जो सीन मतलब कंटेंडर्स हैं उनको तो मिलेगी नहीं ना फिर इक्वालिटी, उनके लिए तो वो सही नहीं रहेगा. तो यहाँ पर यही चीज जो है हाईलाइट की गई है कि किस तरीके से आपकी इक्वालिटी की पॉलिसीज के खिलाफ ही आपका ये चीज जो है जा रही है. ठीक है, They contend that any provision of reservations or quotas for the deprived in admissions for higher education or jobs is unfair and is it arbitrarily denies other sections of society their right to equal treatment. अब क्या है इनका मानना, ये है कि जो आप स्पेशल प्रोविजन दे रहे हो, ठीक है, रिजर्वेशन का या कोटास का, जो डिप्राइव्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनको हायर एजुकेशन या जॉब्स के लिए एडमिशन प्रोवाइड करा रहे हो, पर ये पूरी तरीके से अनफेयर है. ठीक है, जो दूसरे सेक्शन है सोसाइटी के उनके जो उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनके साथ में ये आप इक्वालिटी नहीं कर रहे हो. दे मेंटेन दैट रिजर्वेशंस आर अ फॉर्म ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन. उनका मानना ये है कि रिजर्वेशन जो है वो अपने आप में ही एक अलग तरीके का भेदभाव करना है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है. एंड दे कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्वेश्चंस एंड रिजेक्ट्स. और ये क्या करते हैं,
ये जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है उसके साथ ही उस तरह की प्रिंसिपल जो इक्वालिटी को लेकर के उठाया जा रहा है, ठीक है, उसमें ही क्वेश्चंस और रिजेक्शंस को वो करवा रहे हैं। अब आपको एक व्यक्ति है, सपोजिंगली एक प्लेटफॉर्म है, जॉब है, और उसके लिए चार कैंडिडेट्स हैं। चार कैंडिडेट्स के अंदर एक या दो बच्चे जो है वो रिजर्वेशन वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट है कि इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो आपको लाने ही है। अब क्या होता है, ये इनइक्वालिटी कैसे राइज करती है इनके बीच में, जब पर्टिकुलर जो डिप्राइव्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सेक्शन को बिलोंग करते हैं, उनके लिए उनका स्टेटस इम्प्रूव करना है, ये समझ में आता है। लेकिन एक होता है ना कि आपको इक्वल बेसिस पर नंबर लेकर के आइए आप, तब आपको जॉब मिलेगी, वो चीज जो है इक्वालिटी के अगेंस्ट में जा रही है। वो यहाँ पर क्वेश्चन उठा रही है कि ये कैसे इक्वल हो रहा है, कि आप एक व्यक्ति को बोल रहे हो कि आप 40% मार्क्स ले आओगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, और दूसरे के साथ में आप बोल रहे हो कि आपको 80% मार्क्स लाने पड़ेंगे या 80 से अबव लाने पड़ेंगे तब आपको वो जॉब मिलेगी। तो ये इक्वालिटी को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन को उठाया जा रहा है, ठीक है। इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट ऑल पर्सन बी ट्रीटेड अलाइक। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इक्वालिटी के अंदर कि सारे व्यक्तियों को एक साथ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। व्हेन वी मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और कलर, वी आर लाइकली टू रीइंफोर्स कास्ट कास्ट एंड रेशियल प्रेजुडाइसेस। जब हम उनको अलग अलग बांट रहे हैं इंडिविजुअल्स को उनके कास्ट और कलर पर लेकर के, तब हम उनको काय में बांट रहे हैं, ये कास्ट और रेशियल प्रेजुडाइसेस जो बुराइयां क्रूरतियां चली आ रही है कास्ट और रेसिज्म को लेकर के, उन्हीं को वापस से हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, उन्हीं को हम वापस से लागू कर रहे हैं। फॉर दीज थ्योरिस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू अवे विद सोशल डिस्टिंक्शंस दैट डिवाइड आवर सोसाइटी, डिवाइड आवर सोसाइटी। अब उनका मानना यह है, थ्योरिस्ट का, इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे समाज के अंदर ये अलग अलग डिस्टिंक्शन यानी अलग अलग कैटेगरी के अंदर लोगों को डिवाइड किया गया, ये हमें हटाना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो भी आप पूछ सकते हैं। नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बच्चे भी जवाब देंगे। नो मैम। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिबेट इट इज रेलेवेंट टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसी चीज से रिलेटेड कई बार वाद विवाद भी हुआ है, इसमें इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि एक डिफरेंस जो है वो होना चाहिए इक्वालिटी को लेकर के, एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, स्टेट पॉलिसी के अंदर इक्वालिटी को लेकर के गाइडलाइंस देनी चाहिए, साथ ही साथ जो लोगों के हक हैं, इक्वल राइट्स जो है इंडिविजुअल्स के, उसको भी उसके उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। इंडिविजुअल्स हैव अ राइट इक्वल टू इक्वल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको इक्वल हक मिलना चाहिए कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर के एडमिशन के लिए फाइल कर सके या फिर किसी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में जाकर के कम्पीट कर सके, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। बट कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर, और कॉम्पिटिशन जो है वो फेयर होना चाहिए। समटाइम्स व्हेन कम्पीटिंग फॉर लिमिटेड सीट्स अ जॉब, पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड स्ट्रेटा मे बी एट अ डिसएडवांटेज। और कई बार जो है कॉम्पिटिशन फेयर नहीं होता है और लोग बाग जो बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर डिप्राइव्ड स्ट्रेटा को, वहां पर उनको एक नुकसान पहुंच जाता है। द नीड्स एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर हुज पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स वर इलिटरेट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर बोर्न इन एजुकेटेड फैमिली। अब कैसे होता है वो अलग, अब जो जरूरत है और जो सिचुएशन रही है कुछ लोगों के एंसेस्टर्स के साथ में या पेरेंट्स के साथ में, पहली जनरेशन के जो लोग थे वो काफी इलिटरेट थे और उनकी कंडीशंस बहुत अलग थी उन लोगों से जो अब एजुकेटेड फैमिली के अंदर मतलब जन्म ले रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, पैदा हो रहे हैं। मेंबर्स ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप्स वेदर दे आर दलित्स, विमेन और एनी अदर कैटेगरी डिजर्व एंड नीड सम स्पेशल हेल्प। कुछ लोग जो बिलोंग करते हैं दलित को या विमेन हो वो या दूसरी कैटेगरी के लोग हो, वो डिजर्व करते हैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल हेल्प की जरूरत है उन लोगों को। To provide this, the state must devise social policies which would help to make such people equal and give them a fair chance to compete with others. इस चीज के लिए उनको स्टेट को जो स्टेट की पॉलिसीज है वो इस तरीके से फ्रेम होनी चाहिए कि इन इन लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए, इनको फेयर चांस मिले जिससे ये
दूसरे लोगों के साथ में कंपीट कर सके। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑफ दिस काइंड हिंडर द परसूट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। समाज और आर्थिक इनइक्वालिटीज जो है वो इस तरीके की इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बीच में एक प्रॉब्लम बन करके आती है। ठीक है, मोस्ट थियोरिस्ट टुडे रिकॉग्नाइज दिस, और कई सारे थियोरिस्ट जो है उनको आज इस चीज को वो पहचान सके हैं, पहचान पाए हैं। What they contest is not the goal of equal opportunity, but the policies. अब वो जिस चीज के लिए अपनी थ्योरी देते हैं वो ये है, जिस चीज के लिए वो बोल रहे हैं वो ये नहीं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बट कि उनका मानना ये है but the policies that the state should pursue to achieve that goal. लेकिन उनका मानना यह है कि पॉलिसीज इस तरीके की बननी चाहिए कि लोगों तक ये चीज पहुंच पाए, जिससे उनका गोल जो उन्होंने गोल सेट किया है वो उनको पूरी तरह कर पाए, वो उनका मानना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको आज की एक एग्जाम्पल से अगर आप कंपेयर करें तो जैसे आज के जमाने के अंदर हम किसी भी एग्जाम के लिए फाइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फाइटिंग फॉर RAS और IAS, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये इस तरह की पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे सारे लोगों को एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर बैठने का, उसका फॉर्म भरने का और फिर उसके बाद में उस एग्जाम को फाइट करने का मौका दिया जाए, ये इनका मानना है। ना कि ऐसे कि एक पॉलिसी, एक बस डिक्लेयर कर दिया कि एग्जाम है और आपको फाइट करना है वो एग्जाम, लेकिन आपको मौके ही नहीं दिए जा रहे कि आप अपने प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल कर सकें या फिर आप उसमें जाकर के कम्पीट कर सके एग्जाम में। ये नहीं होना चाहिए, पॉलिसीज इस तरह की बननी चाहिए, ये सिर्फ थ्योरिस्ट का मानना है। ठीक है, शुड द स्टेट रिजर्व सीट्स फॉर द डिप्राइव्ड कम्युनिटीज और शुड दे प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज दैट कैन हेल्प टू डेवलप टैलेंट्स एंड स्किल्स फ्रॉम एन अर्ली एज। अब क्या स्टेट को रिजर्व करनी चाहिए कुछ सीट्स डिप्राइव्ड कम्युनिटीज के लिए, या फिर उनको स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो अपने टैलेंट और स्किल को इम्प्रूव कर पाए शुरुआत की स्टेज में, एज में ही। How should be defined who is deprived? और हमें कैसे आकलन करना चाहिए, कैसे बताना चाहिए कि कौन deprived है और कौन नहीं है? Should we use an economic criterion to identify deprived, or should we use social inequalities arising from the caste system in our country as the basis of identifying the deprived groups? अब हमें उनकी इनकम को मद्देनजर रखते हुए फिर डिसाइड करना चाहिए कौन डिप्राइव्ड ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन नहीं है, कि पर्टिकुलर एक इतनी अर्निंग हो रही है किसी के परिवार में या नहीं हो रही है, या फिर जो पुराना सिस्टम चला हुआ आ रहा है कि इनके साथ में बुरा व्यवहार होता आया है पुराने जमाने से, तो इनको उसी कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए। ये यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक है, दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल पॉलिसीज दैट आर टुडे बीइंग डिबेटेड। अब ये ही चीजें हैं जिनके जो सोशल पॉलिसीज को लेकर के जिस पर आज भी वाद विवाद होता है। अल्टीमेटली द पॉलिसीज दैट वी चोज वुड हैव टू बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर सक्सेस इन मेकिंग द सोसाइटी मोर इगैलिटेरियन एंड फेयर टू ऑल। अल्टीमेटली जिन भी पॉलिसीज का हम सपोर्ट करेंगे वही हमारे टर्म्स और कंडीशंस बताएंगी कि कितने हम सक्सेसफुल हुए हैं एक इक्वालिटी का समाज को देने में। ठीक है, while reflecting on the issue of equality, a distinction must also be made between treating everyone in an identical manner and treating everyone as equal. अब जब हम ये इशू उठाते हैं इक्वालिटी को लेकर के, एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि हम इक्वालिटी में किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, क्या आइडेंटिकल मैनर में हम ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, एक सा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ में, ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल, या हम उनको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। द लेटर मे ऑन ओकेजंस नीड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बट इन ऑल सच केसेस द प्राइमरी कंसिडरेशन इज टू प्रमोट इक्वालिटी। अब आगे जाकर के ओकेजंस जो हमारे साथ में मिलेंगे, ट्रीटमेंट हम उसकी जरूरत जो है वो आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे कि सारे केसेस के अंदर बेसिक चीज जो है वो
यही उठती है कि हम इक्वालिटी को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको एग्जाम में एग्जाम देना है, ठीक है, जैसे आपके अभी हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो जल्दी शुरू होने वाले हैं और आपको बोला जाए कि आपको प्रॉपर पीडीएफ जो है बना करके भेजना है अपने पर्टिकुलर टीचर को, जिनका भी नाम मेंशन है, जिस भी सब्जेक्ट के वो टीचर है, और आपके एरिया के अंदर सपोजिंगली नेटवर्क इशू क्रिएट किए जाए वहां पर उस समय में, या आपके नेटवर्क हो ही नहीं और आपकी जो हायर अथॉरिटी है उस चीज को समझे नहीं, बोले कि नहीं हमने तो आपको बोल दिया था कि आपको पीडीएफ बना के भेजना है तो आपको भेजना है, और हम जो है इस चीज को नहीं मानते कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कंडीशंस है, हमें मतलब नहीं है, तो ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ना, फिर वो इक्वल मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी लोगों के प्रॉब्लम नहीं थी उस समय में, लेकिन आपके जो शहर में प्रॉब्लम थी इस वजह से आपको मौका नहीं मिला, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसी जगह जब हम आपको बोलें कि आपका सारे सब कुछ सही है और आपको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है ठीक है नो मैटर व्हाट आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप भेज सकते हैं, तो ये क्या है, ये हुआ इक्वल ट्रीटमेंट। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पॉलिसीज बना रही हैं जिससे समाज के अंदर रहने वाले हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज का भी मौका मिले और इक्वालिटी जो है वो भी वो एंजॉय कर सके। ठीक है, समझ में आया अभी तक, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, डिफरेंशियल और स्पेशल ट्रीटमेंट मे बी कंसिडर्ड टू रियलाइज द गोल ऑफ इक्वालिटी बट इट रिक्वायर्स जस्टिफिकेशन एंड केयरफुल रिफ्लेक्शन। अब डिफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो इक्वालिटी को जस्टिफाई तो करते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ केयरफुल चीजें भी हमें रखनी पड़ती है। सिंस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस लाइक अपार्थाइड लिबरल्स आर यूजुअली वेरी वेरी ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्म ऑफ आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। अब जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये कहाँ से निकला है कि हमें अलग 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 कम्युनिटीज को डिफरेंट स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये हिस्सा है कास्ट सिस्टम की करनी का। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम चला हुआ आ रहा था, प्रैक्टिसेस चली जा रही थी, उनकी वजह से हमें करना है, जैसे अपार्थाइड हुआ। लेकिन लिबरल्स जो है वो यूजुअली इस चीज से बिल्कुल अलग उनकी सोच रहती है, उनकी आइडेंटिकल ट्रीटमेंट को लेकर के कोई सोच नहीं है, उनका मेन ये है कि हाँ सबको हमें इक्वली ट्रीट करना है, वो उस नॉर्म पे जीते हैं, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट के नॉर्म पर ही जीते हैं वो। ठीक है, many of these issues relating to the pursuit of equality have been raised by women's movement. अब कई सारे issues जो हैं वो relate किए जाते हैं equality को achieve करने के लिए women movement के द्वारा। In the 19th century, women struggle for equal rights. 19th century के अंदर सारी ladies जो थी उनकी equal rights को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी। They demanded, for instance, the right to vote. सबसे पहले उन्होंने डिमांड किया कि उनको वोट करने का अधिकार मिले, उनको वोट करने का अधिकार भी नहीं था। द राइट टू रिसीव डिग्रीज इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, फिर उन्होंने ये भी डिमांड करी कि भाई हमें डिग्रीज लेने का भी हक मिले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर, एंड देन राइट टू वर्क, और फिर हमें हक मिले काम करने का, दैट इज द सेम राइट एज मेन इन देयर सोसाइटी, और उसी तरीके से हक मिलने चाहिए जितनी कि मैन को सोसाइटी समाज के अंदर, जितना हक मैन को है उतना ही हक लेडीज को भी मिलना चाहिए, वेमेन को भी मिलना चाहिए। However, as they entered the job market, they realized that women required special facilities in order to exercise these rights. लेकिन जैसे ही ये लोग job market के अंदर enter हुए, तब उनको realize हुआ कि हमें women के लिए कुछ special facilities provide करानी पड़ेंगी, जिससे वो अपने rights को exercise कर सके, उनको enjoy कर सके, उनको हक अपने मिल सके। For instance, they required some provision for maternity leave and crèches in the workplace. अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैटरनिटी लीव जो है वो वुमेन को प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है, और उसके बाद में क्रचेस जो है वो प्रोवाइड कराने पड़ते हैं वर्क प्लेस पे, जिससे वो अपने छोटे बच्चों को वहां पर रख सके, ये इनके स्पेशल राइट्स हैं जिससे वो अपने काम करने के राइट को एंजॉय कर सके। Without special considerations of this kind, they could not seriously compete for jobs or enjoy a successful professional and personal life. अब बिना किसी special consideration के वो enjoy नहीं कर सकते seriously, ना ही compete कर सकते अपनी jobs के लिए, अपनी professional और personal life के बीच को भी enjoy नहीं कर पाएंगे। They needed, in other words,
sometimes to be treated differently if they are to enjoy the same right as men. yani kehne ka matlab sirf ye hai ki unko kuch shabdon dusre shabdon mein hum ye keh sakte hain ki unko agar equal rights enjoy karne hai to uske liye unhe hame kuch special treatment provide karana padega. samajh mein aaya aapko? is paragraph ke andar koi cheez samajh mein nahi aayi ho to aap abhi pooch sakte hain. no ma'am it's clear. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें. अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन टुमारो सेशन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर हिस्ट्री क्लास बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड माय सिस्टम टेक्स टाइम टू गिव यू लिंक. ओके थैंक यू मैम. ओके बेटा वेलकम.